गाइस, सो आज से हमारा मैथ्स का जो सिलेबस है वो स्टार्ट होगा। लास्ट क्लास में रीजनिंग की मैंने सारे टॉपिक्स ख़त्म कर दिए हैं और अब जो ये जून का मंथ है इसमें हम मैथ्स कंप्लीट करेंगे। तो मैथ्स में मैं सबसे पहले टॉपिक ले रही हूँ डिविजिबिलिटी रूल। जो डिविजिबिलिटी होती है मतलब कि जैसे कोई एक आपको अज्यूम करो 2, 4, 9, 6, 8, 6 नंबर दे रखा है, सो आपको पूछा होगा कि ये नंबर एक एक्स नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत काम में आते हैं क्योंकि आप DSSB में जब मैथ्स का पेपर दे रहे हो तो आप अपना टाइम लगा ही नहीं सकते उसको सॉल्व करने में, आपको विद इन 30 सेकेंड्स वो आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लो, अगर मैं फटाफट बताऊँ तो जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, या फिर आप चलो लिखते जाओ मैं आपको बताती रहती हूँ। ये जो नोट्स बनाऊंगी पहले ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू है कि इवन नंबर होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए जो लास्ट की डिजिट है। ठीक है, ये तो सबको पता है, बहुत ईजी रूल होता है। थ्री का रूल है सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है, जैसे कि मान लो इसका टू का एग्जांपल हो गया आपका 22 डिविजिबल है, 20 डिविजिबल है। वाई? बिकॉज लास्ट की जो डिजिट है उसमें 2 और 0 है। ठीक है, थ्री का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसका मतलब है सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, देन ओनली द होल नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 36 है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू चेक वेदर 36 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, यू हैव टू एड द डिजिट्स 3 + 6 = 9, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, फोर का रूल है लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो अब जैसे मान लो 2, 4, 9, 6 है। ठीक है, सो अब आपको ये चेक करना है कि ये होल नंबर डिविजिबल है 4 से या नहीं है। तो आपको होल नंबर डिवाइड करने के बजाय बस लास्ट की डिजिट देखनी है। सो आप 96 को डिवाइड करके देखो, 4 2 8 16, 4 4 16 क्रॉस हो रहा है, येस दैट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो लास्ट की दो डिजिट है, अगर ये दोनों डिविजिबल है इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो आपका नंबर है चाहे आगे कितने भी डिजिट्स हो वो डिविजिबल होगा 4 से पूरा का पूरा। ठीक है, 5 का भी रूल इजी है, या तो 0 होगा या फिर लास्ट के डिजिट में 5 होगा। ठीक है, जैसे कि 15 20 25 एक्सेट्रा। ठीक है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल है द जो पूरा नंबर है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। ठीक है, और नहीं है एंड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 18 इज डिविजिबल बाय 2 and it is also divisible by 3, that means it is also divisible by 6। ठीक है, अगर यहाँ पे और होता 2 और 3 होता तो एक नंबर मान लो 20। ठीक है, तो हमें पता 22 से divisible है। ठीक है, और यहाँ पे और लिखा हुआ, इसका मतलब या तो 2 से होगा या 3 से होगा, और तो वो 6 से भी होगा, बट 6 से तो 20 है ही नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंड है, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, वरना नहीं होगा। ठीक है, 7 को मैं भी साइड रख रही हूँ क्योंकि 7 का रूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और 2-3 रूल आ जाते हैं उसमें। नेक्स्ट इज 8, सो 8 का है दो जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं, लास्ट की 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, डिविजिबल के लिए मैं डी लिख रही हूँ, बाय 4। ठीक है, सो देखो 4 का रूल ये, लास्ट की दो डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, डी बाय 4। 8 का है लास्ट की 3 डिजिट होनी चाहिए, और जो 16 है उसका होता है लास्ट की 4 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, देन 9 सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, फॉर एग्जांपल जैसे 3 का रूल था ना, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है दैट मींस द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इटसेल्फ, एंड इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 दैट मींस द नंबर इज इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, जैसे कि 369 को प्लस करोगे 3 + 6 + 9 इज 18 इज डिविजिबल बाय 9, इसका मतलब कि जो पूरी डिजिट है वो भी 9 से डिविजिबल है।
अब इसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आती है रूल्स में, अब स्पेशल रूल्स बनेंगे, ठीक है। तो स्पेशल रूल्स के लिए मैं आपको पहले 7, 11 और 13 का ट्रिपलेट रूल बताती हूँ, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये रूल्स इम्पोर्टेंट हैं और आप इसको लिख सकते हो। मैंने भी ले लिया स्क्रीनशॉट। मैथ्स हटा के कर देते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो अब आपका आता है एक 7, जो 7, 11 और 13 है ना, आपको इसके अलग अलग रूल्स मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको सारे के सारे बताऊंगी, बट जो एक बेसिक रूल है, अगर आपके पास में एक बहुत बड़ी डिजिट आ गई है, ठीक है, इसको हम ट्रिपलेट रूल कहते हैं। सो इफ आपके पास में एग्जांपल मान लो एक बहुत बड़ी डिजिट आ गई है, विच इज 0733492781464, ठीक है। लेट्स अज्यूम दिस इज द नंबर एंड द क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू कि वेदर दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय दीज थ्री और नॉट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, चाहे आपको 7 से देखना है, 11 से देखना है, 13 से देखना है, आप इनके तीन तीन के पेयर बनाओगे, ठीक है। अब ये नंबर मैंने 0 से इसलिए शुरू करा है क्योंकि अगर मतलब 0 हैज नो वैल्यू अगर ये आगे लग रहा है, ठीक है। तो ये नंबर आपको इतना दिया हुआ था, ठीक है, बट जब मैंने पीछे से पेयरिंग करनी शुरू करी तो यहाँ पे सिर्फ 73 बचा। सो टू मेक इट अ थ्री डिजिट नंबर मैंने इसमें आगे 0 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि 0 लगाने से इस होल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद में जब आप इनको तीन तीन के पेयर में डिवाइड कर दोगे, सो व्हाट यू हैव टू डू इज ये पेयर और ये पेयर को आपको ऐड करना है। सो 278 प्लस 073 11 एक कैरेट 513 351 एंड 464 प्लस 349 वुड बी 318, ठीक है। ये दोनों आपके आ गए, ठीक है। एक बार जब आपका ये दोनों आ जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी डिजिट यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो और माइनस कर दो, ठीक है। मतलब छोटे से बड़ा आपको माइनस, बड़े से छोटा आपको माइनस करना है। सो 813 माइनस 351 वुड बी 264, ठीक है, 462। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ 462 को चेक करना है कि वो 7, 11 और 13 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। आपको इस पूरी डिजिट को नहीं चेक करना, आपको सिर्फ इस नंबर को चेक करना है, और अगर ये नंबर आपका डिविजिबल है जिस नंबर से आप चेक कर रहे हो, दैट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। चेक करते हैं, सो 6, 7 42, 2 कैरेट 2, ठीक है। सॉरी 6, 7 42, 4 आया 42 एंड 7, 6 42 ऑल्सो, दैट मीन्स क्रॉस कुछ नहीं बचा, इसका मतलब कि यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। सो 7 पे लग गया टिक्का। अब 11 से 462 करते हैं, सो 11 4 जो 44, 2 कैरेट 11 2 जो 22, दैट मींस 11 से भी ये पूरा नंबर डिविजिबल है, ठीक है। 13 से चेक करते हैं, 462, सो 13 में जो 13 13 13 13 4 जो 13 3 जो 39 और 7 2 सो 13 5 जो 65 और समथिंग समथिंग बचेगा, ठीक है, 7 बचेगा। तो अब क्योंकि हमारा रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब कि नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर ही 13 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट आपको इतने सारे को हटाने के लिए ये बीच की कैलकुलेशन, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस जल्दी हो जाता है, वो आपको करनी पड़ेगी। अगर मान लो नंबर इतना ही होता तो इतने में आप इन दोनों को ऐड करते और इसको माइनस करते, ठीक है। आपको थ्री के ट्रिपलेट टूल इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपको थ्री के पेयर बनाने होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज मेक अ पेयर ऑफ थ्री, उसके बाद जो आपके एक छोड़ के एक जो आपके पेयर है नंबर है उनके साथ में पेयर बनाओ, उनको ऐड करो, आपस में माइनस करो, और जो नंबर आता है उसको जिस नंबर से पूछा गया है उससे डिवाइड करो, ठीक है। एंड इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर, सो दैट मीन्स द होल नंबर वुड बी डिविजिबल बाय द सेम नंबर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू द ट्रिपलेट रूल, और ये एक बेसिक रूल है। जैसे कि अब मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इफ 66666 इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, ठीक है, तो तब आप ये रूल लगा सकते हो। बट अगर आपसे पूछा हुआ है कि इफ
66 इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, तो उसके लिए आप ये ऑफ कोर्स रूल नहीं लगाओगे, ठीक है। सो उसके लिए आप जो बेसिक 11 की कैलकुलेशन है 66 वो वाली करोगे। अगर आपसे पूछा हुआ 66 इज डिविजिबल बाय दिस और नॉट, उसके लिए भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। बट 11 का एक और रूल होता है, सो आप इस रूल को भी लिख लो। इसकी मैं आपको की पॉइंट्स बता देती हूँ, जैसे कि ट्रिपलेट रूल में सबसे पहले है मेक अ पेयर ऑफ थ्री डिजिट्स ईच। थ्री डिजिट्स का पेयर बनाने, आपको थ्री डिजिट्स के पेयर बनाने के बाद में आपको जो ऑल्टरनेट आपके पेयर हैं, ऑल्टरनेट पेयर्स को आप ऐड करोगे। फिर जो लास्ट में आपके जो दो रिजल्ट आएंगे उनको आप आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे। उसके बाद जो आपका नंबर आएगा उसको आप डिवाइड करोगे, गिवन नंबर से डिवाइड द नंबर। फिर आपको जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक्स वाई जेड, जिससे भी पूछा हुआ है, और इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय एक्स देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है। सेम फॉर वाई एंड सेम फॉर जेड, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रिपलेट रूल। अब ट्रिपलेट रूल के बाद में मैं आपको 7, 13, 11 के और एक्स्ट्रा रूल बताती हूँ, और ये भी बताती हूँ कि इसके एक्स्ट्रा रूल क्यों बने हुए हैं, ठीक है। सो एक 13 के लिए रूल है, 13 के लिए एक रूल है सबट्रैक्टिंग द लास्ट टू डिजिट्स एंड मल्टीप्लाइंग फोर टाइम्स जो भी रेस्ट ऑफ द नंबर है, ठीक है। फोर टाइम्स रेस्ट ऑफ द नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है रेस्ट ऑफ द नंबर, एंड इफ यू विल डू दिस द नंबर यू विल गेट, इफ द नंबर यू गेट इज डिविजिबल बाय दैट 13, दैट मीन्स द होल नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 13, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं 46 एंड 8, ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। 8 और 1 ले लो, ठीक है। सो हमको क्या करना है, जो लास्ट टू डिजिट है उसको इसके 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ठीक है। सो 6 4 24 4 4 16 17 18, ठीक है। सो 184 इज 4 टाइम्स द रेस्ट ऑफ द नंबर एंड वी हैव टू नाउ सब्ट्रैक्ट द लास्ट टू डिजिट्स फ्रॉम दिस नंबर। सो 184 माइनस 81 वुड बी 103, ठीक है। एंड नाउ वी ओनली हैव टू चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट। सो क्लियरली दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 13, दैट मीन्स दिस होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 13, ठीक है। सो नाउ वी विल टेक वन एग्जाम्पल विच इज डिविजिबल बाय 13, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक गूगल करके देखते हैं, रैंडम नंबर इज डिविजिबल बाय 13 फाइव डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13, ठीक है। सो द नंबर 13013 काफी इंटेलिजेंट है गूगल, काफी सही नंबर 13013 इज डिविजिबल बाय 13। सो हम अपनी ये थ्योरी चेक करके देखते हैं। सो लास्ट के टू डिजिट 13 है और 130 का 4 हो गया 400, 4 3 12, 1 4 4 520, ठीक है। सो 520 से 13 को हमने माइनस करा तो 10 में से माइनस करा दिस और 51 में से बन गया 50, ठीक है। दैट मीन्स 507 को हमको बस चेक करना है 13 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो 13 1 13 13 2 26 13 3 9 13 13 4 52 13 3 39 11 और 17, ठीक है। सो 13 9 is 117 9 18 27 11, ओके, ठीक है। सो समझ आ गया, बिकॉज ये जो हमारा नंबर आया है ये 13 से पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब कि ये भी पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। ये तो खैर दिख ही रहा है बट गूगल ने इसके अलावा मुझे और कोई नंबर दिखाया नहीं। सो मैंने जस्ट एग्जांपल प्रूव करने के लिए लिया कि इफ जो हमने नंबर निकाला है वो डिविजिबल है, दैट मींस पूरा नंबर 13 से जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13। आप ट्रिपलेट रूल भी यूज कर सकते हो और येलो रूल भी यूज कर सकते हो, जो आपको मतलब अगर आपके पास में मान लो जैसे जो ट्रिपलेट रूल है ना वो आपका तब काम आता है जब आपके पास में 9 से लेके इनफाइनाइट जो भी आपके डिजिट्स हैं उतने हैं, ठीक है, उसमें वो रूल बहुत फायदेमंद है। बट अगर आपके पास में 3 digit 4 digit नंबर है और आपको उतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना है, जब आपके पास में 4 digit ही होंगे
ए बी सी डी आपके पास में, तो उसमें आप ट्रिपलेट कैसे बनाओगे, है ना। यहाँ पे आप ये रूल यूज करोगे, ठीक है। इसके बाद जो स्पेशल रूल है, स्पेशल रूल आता है फॉर अ लॉट ऑफ डिजिट्स विच आर 3, 7, 11, 13, 21, 37 एंड चढ़ावा 1001 रुपए का। सो इन नंबरों में ये कहते हैं कि इफ, इसका एग्जांपल पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका स्पेशल रूल ये कहता है कि अगर कोई भी एक डिजिट 6 बारी आपस में रिपीट हो रही है तो ये नंबर इन नंबर से ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगा, ठीक है। 6666 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। If any number is made by repeating a digit 6 times, the number would be divisible by 3, 7, 11, 13, 21, 37 and 1001, ठीक है। ये आपका रूल कहता है कि 6 डिजिट होने चाहिए रेकरिंग, 6 repeating digits are divisible by these numbers, ये आपका रूल कहता है, ठीक है। सो अगर कोई भी ऐसे डिजिट आती है और ये नंबर आपके सामने आ जाते हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वेदर दिस इज डिविजिबल बाय दिस और नॉट, सो आपको इसमें कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं। सीधा अगर आपको दिख रहा है 6 डिजिट रिपीट हो रही है तो सीधा ये उससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगला रूल ये है, अगर एक 6 डिजिट नंबर है और उसमें 3 डिजिट्स रिपीट पे चल रहे हैं, ठीक है, that means that number would be divisible by 7, 11, 13 and 1001. For example, 3, 4, 9, 3, 4, 9, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 801, 801, ठीक है। ये आपका 6 digit number के लिए ही है। और देखो जब 6 की 6 एक ही है तब तो 3, 7 से भी हो रहा है, बट जब सिर्फ इतनी जो 3, 3 के पेयर में आती हैं तो आपका 7, 11 और 13 का ही रूल बनता है और 1001 का, ठीक है। सो जो मैंने आपको 7 और मोस्टली जो आपसे डिविजिबिलिटी के पूछे जाएंगे ना, वो 7, 11, 13, 11 का भी नहीं, 7 और 13 का पूछा जाएगा, क्योंकि इन्हीं का सबसे आंडा वांडा टाइप का होता है, ठीक है। अब हमको जैसे देखो चेक करना है तो 801 और 801 को हम चेक करके देखते हैं। सो 13 का भी हमने क्या पढ़ा था कि अगर जो ये है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8, 4 जो 32, ये तो चला बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो देखो एक और रूल होता है 11 का, अभी तक मैंने रूल बताया नहीं है पर वो इजी है। 11 का ये रूल होता है कि सम ऑफ द इवन डिजिट्स, इवन जो पोजीशन पे और सम ऑफ द ऑड पोजीशन डिजिट्स को प्लस करके देखो, अगर बराबर आता है तो इसका मतलब कि आपका वो 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। सो 8, 1, 0, 9 और 1, 8 और 0, 9, ठीक है। सो LHS इक्वल टू RHS, ओके, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। सो अब हम इसको 7 से चेक करते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल एक और ये होता है कि व्हाट यू नीड टू डू इज टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है। लास्ट डिजिट 1 है और इसको हमने डबल करा 2 कर दिया और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो जो आपका रेस्ट ऑफ द नंबर बचा है, ठीक है। सो इसको अगर हमने 2 से माइनस करा तो ये आपका आ गया 8, 7, 1, 0, 8, काफी ज्यादा छोटा हो गया नंबर मेरा, तो मजा ही आ गया। सो और अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है दैट मीन्स पूरा का पूरा डिविजिबल है, बट मैं ये करूंगी नहीं क्योंकि ये बहुत फुद्दू अप्रोच हो जाएगी यहाँ पे, जस्ट बिकॉज 3 नंबर कम हो गया वो, तो उसके चक्कर में ये नहीं करूंगी ना। ये हमें एक्चुअली उसे क्लियरली पता ही है कि मतलब ये फिक्स रूल है कि 808 एक और मतलब ये जो 3, 3 के पेयर में नंबर है वो आपस में डिवाइड हो ही होंगे, तो इसमें चेक करना फुद्दू बनाए, बट वैसे करके देखती हूँ। सिंपल जो डिविजिबल डिवाइड करते हैं, 7, 1, 7, 1, 0, 7, 1, 7, 3, 1, 7, 5 होता, ठीक है। 7, 4 is 28, 20 is 30, 31 is 3, 7, 6 is 42, 7, 5 is 35, 3, 0, 7, 4 is 28, 2, 7, 3 is 21, ठीक है। सो क्लियरली इफ दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा ना भाई, यही करना है तुमको, अंधाधुंध डिवाइड करना शुरू कर दो। बट मतलब ऑफ कोर्स ये टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर तुमको ये देखो ये अगर तुमको ये रूल पता होगा कि रिपीटिंग 3 डिजिट्स हैं वो सीधा सीधा डिवाइड होती हैं, तो आप 1 सेकंड में टिक कर दोगे, बट अगर नहीं है फिर वही आप डिवाइड करते रहोगे, मतलब
डिविजिबिलिटी रूल समझने का होल पॉइंट ही यही है कि आपका इस बड़ी उसमें टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सो मूविंग ऑन, ये आपके रूल हो गए हैं, इसको मैं हटा देती हूँ, इनका स्क्रीनशॉट लेना ले लो। इसके बाद आपका जो 11 का मैंने रूल बताया था उसको मैं पॉइंट में लिख देती हूँ। सो 11 का रूल ये है, सम ऑफ इवन प्लेस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑड प्लेस, ठीक है। सो ये काफी इजी रूल है 11 का, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, 5, 4, 1, 5, 4, 3, 2, 6, 7, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज इवन प्लेस और ऑड प्लेस को अलग अलग कर दो, जैसे कि 7, 2, 4, 1, 5 एंड 6, 3, 5, 4, 1, ठीक है। बस इसको प्लस करो 7, 8, 9, 9, 9, 19, 7, 8, 9, 5, 9, 18, 1, 19, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 18, 1, 19, LHS इक्वल टू RHS, हेंस दिस होल नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 11, ठीक है। सो ये आपका एक रूल है, 19 equals to 19, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसके बाद आपका रूल आता है, इसके बाद जो आपके रूल्स है ना वो देखो दिखाती हूँ, 4, 12, 14, 15, 18, 21, 22, ये सेम है। इनके रूल क्या है, 3, देखो इसका मल्टीपल देखो, 3 multiplied by 4 is 12, सो 2 7 is 14, 3 5 is 15, 2 9 is 18, 3 7 is 21 एंड 2 11 is 22, ठीक है। इनका रूल ही यही है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, और नहीं है एंड, ठीक है। इनमें अगर जो नंबर है, अगर नंबर इफ इज डिविजिबल बाय 3 and 4, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इटसेल्फ। अगर जो नंबर है वो 2 और 7 से डिविजिबल है, मतलब कि वो नंबर 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा, एंड सेम गोज फॉर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सो ये रूल है, ये भी आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमारा जो लास्ट रूल बचता है वो बचता है 3 digits के लिए, विच इज 25, 32 and 125, ठीक है। सो इनका है सिंपल, इनके इफ जो नंबर की लास्ट 2 digits हैं, ये जो मैं नोट्स बना रही हूँ ये इधर बना रही हूँ, मैंने ऑलरेडी एक नोटबुक में बना रखे हैं। सो इंस्टा पे अकाउंट है बाप ऑफ BLET, सो आप उस पे जा सकते हो अकाउंट पे, वहाँ पे मैं नोट्स का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दूंगी। सो वहाँ से आप और क्लियर नोट्स बना सकते हो अगर आपका यहाँ पे छूट गया होगा या फिर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इफ द लास्ट 2 digits आर डिविजिबल बाय 25, दैट मीन्स द होल नंबर वुड बी डिविजिबल बाय द नंबर 25। इफ द लास्ट 5 digits आर डिविजिबल बाय 32, देन द होल नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 32। इफ द लास्ट 3 digits आर डिविजिबल बाय 125, देन द होल नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 125, ठीक है। सो 25 के लिए लास्ट की 2 digits है, 32 के लिए 5 आती हैं और 125 के लिए 3 आती है, और 32 वाले में कोई सेंस ही नहीं अगर जिनको 5 नंबर डिवाइड करना पड़ रहा है, तो आप पूरा नंबर ही कर सकते हो, ठीक है। 8-9 digits तक ही आता है मैक्सिमम पागल बनाने के लिए, उससे ज्यादा तो क्या ही देंगे, 16-17 digits कोई नहीं देने वाला, ठीक है। 32 का आता भी नहीं है, मोस्टली आपको 13, 7 वगैरह का ही पूछते हैं, अगर हार्ड लेवल रखना तो। इजी मीडियम रखना तो भाई हम 6 का पूछ लेते हैं, क्योंकि उसमें 2 नंबर 2 और 3 रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, सो एज टू टेस्ट व्हाट हैव यू लर्नड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो मान लो आपको मैं टाइप बता देती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है 4, 7, x, 0, 5, और आपको बताना है कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, ठीक है। सो पॉज कर लो वीडियो अगर आपको अपना दिमाग लगाना है मेरा आंसर बताने से पहले, और मैं आंसर बताती हूँ। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि आपको बताने कि नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए हमको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, विच इज इफ द सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। सो सम क्या होगा, 7, 8, 9, 10, 11 और 5, 11, 5 कितना हो गया, 16, ठीक है। अब हमको ये पता है कि 3, 6, 18 होता है, तो इसमें अगर हम 2 और प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो योर राइट आंसर इज 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 व्हेन इट्स यूनिट प्लेस हैज 0 5 0 और 5 0 एंड 5 ठीक है. सो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 0 और 5 ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 सेकंड में अगर आपके इनके आंसर्स निकल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2187 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या होगा ठीक है. तो आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है और इसमें आपसे वैसे डिविजिबिलिटी रूल नहीं पूछा, इसमें आपको सिर्फ ये बोला है कि 8 का रिमाइंडर क्या होगा. तो आप इसमें से डिवाइड कर सकते हो बट जब आप इसका डिविजिबिलिटी रूल निकालोगे तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो डिवाइड होनी चाहिए 4 से ठीक है. सो 187 को 4 से डिवाइड करो तो 4 से 16, 4 से 32 होता है, 8 4 से 28, तो 6 4 से 24 ठीक है. 3 आपका रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब कि जब आप पूरा नंबर भी करोगे तो आपका डिवाइड करोगे तो पूरा नंबर में भी 3 ही रिमाइंडर रहेगा. दैट मीन्स यहाँ से आपने कंक्लूड कर लिया कि जो 8 से जब आप इसको डिवाइड करोगे आपका लास्ट में रिमाइंडर 3 ही आएगा क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो ही नहीं रहा है ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर वुड बी डिविजिबल बाय व्हाट, बताओ. अगर वो कह रहा है कि अगर किसी डिजिट ABC डिजिट है उसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो उसका जो पूरा नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, 2, 3, 4, 5 में से किससे होगा, 3 से ठीक है. सो ये आपको रूल ही पूछा हुआ है ठीक है. वो रूल ही ये कह रहा है कि अगर एक नंबर के जो डिजिट्स है उनको प्लस करके जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है तो जो पूरे का पूरा नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 481M673 इज द नंबर और वो ये कह रहा है कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है बाय 9, तो ये कह रहा है कि m की वैल्यू क्या है ठीक है. सो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सेम एज 3 कि इफ द सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 दैट मीन्स द होल नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 9 ठीक है. तो इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आया आपका, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 28 और 29 ठीक है. So the sum of the digit is 29 and now we know that 9, 18, 27 and 36 ठीक है. So 36 9 से पूरा का पूरा डिवाइड होता है तो हमको 29 को 36 बनाने के लिए कितना ऐड करना है, प्लस 7 ठीक है. So जो नंबर बीच में आपका m की प्लेस पे आएगा वो है 7 ठीक है. So 7 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, 3701, 3702, 3704 and 3705 और आपसे पूछा हुआ इन चारों में से 13 से कौन सा डिवाइड होगा ठीक है. सो 13 के काफी सारे जो एक देखो ट्रिपलेट रूल यहाँ पे नहीं काम आएगा ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट रूल में आपको ट्रिपल बनाना होता है तो यहाँ पे किस बात का ट्रिपल बनाओगे जब है नहीं डिजिट्स ठीक है. ट्रिपलेट रूल के अलावा आपको क्या बता रहा था कि अगर कोई 6 रिपीट करेगा ठीक है, सो रिपीटिंग भी नहीं है और 2, 2, 2, 1, 1, 1 ऐसा वाला भी 3 डिजिट का भी रिपीट नहीं है ठीक है. सो उसके अलावा जो 13 का जो लास्ट रूल बचा था जो मैं कह रही थी कि इसमें एग्जांपल दूंगी तो समझ आएगा वो था. सो 13 का रूल अब आपको बताया है, 13 का रूल क्या है कि आपको लास्ट की 2 डिजिट्स सब्ट्रैक्ट करनी है फ्रॉम द 4 टाइम्स ऑफ दिस नंबर ठीक है. सो 37 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 8, 4 1 148 एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 148 माइनस 05 इज 3143 ठीक है. सो नाउ यू ओनली हैव टू सी वेदर 143 इज अ मल्टीपल ऑफ 13 और नॉट ठीक है. सो 13 में से माइनस करा दिस 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 तो नाउ सिंस 143 इज डिविजिबल बाय 13 दैट मीन्स द होल नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 13 दैट मीन्स 3705 इज द करेक्ट आंसर ठीक है. अब अगर आप 3702 को देखते हो ठीक है, इसको ट्राई करते हैं. सो 37 मल्टीप्लाई बाय 4 728 148 आएगा, 202 माइनस करा सो 146 को रखा आपने 13 1 13 1 16 सो 16 इज नॉट डिविजिबल दैट मीन्स दिस होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 13 ठीक है. सो वैसे भी आपका करेक्ट आंसर क्या था, 3705 ठीक है. सो ये आपका डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे, मतलब मैंने ये इसलिए बताया है क्वेश्चन क्योंकि 13 के 3 रूल बता दिए मैंने, 3 ही 4 तो ये कैसे देखेंगे कि किधर हमने कौन सा रूल यूज करना है ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4894498518 is divisible by 13 when, ठीक है। सो वो कह रहा है कि ये नंबर 13 से कब डिविजिबल होगा, जब समथिंग इज एडेड टू इट, समथिंग इज सब्ट्रैक्टेड टू इट, एंड व्हाट वी नीड टू ऐड एंड व्हाट वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब आप देखो इस नंबर को और अब आपको पता है यहाँ पे क्या लगेगा। जी हाँ, यहाँ लगेगा ट्रिपलेट रूल 518 498 894 004, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, सो 498 में आपने 4 ऐड करा तो ये बन गया 502। 5 1 8 8 9 4 8 9 10 11 12 1 4 1 2 5 0 8 14 5 में से 14 9 9 10, ठीक है। अब आपको सिर्फ चेक करना है वेदर 900 ऑफ कोर्स 13 7 91। Now, since we know that this number is divisible by 13, that means the whole number would be divisible by 13. Okay, so we neither need to add or nor we need to subtract anything from this number. ये number perfectly divisible है 13 से, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसलिए हमने triplet rule लगाया था क्योंकि बहुत सारे digits थी, ठीक है। और इसमें आप बाकी वाला लगाओगे तो जिसमें 4 times है तो ये number 4 times में 16 digits तक चला जाएगा, ठीक है। That's why we didn't use वाला बाकी फॉर्मूला, इसलिए हमने इसमें ट्रिपलेट रूल लगाया, ठीक है। सो उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, 6 से कब डिविजिबल होता है, अगर वो 2 एंड 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। क्वेश्चन इज आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो नंबर्स हैं वो 8 से डिवाइड होंगे, ठीक है। सो द नंबर्स आर 1 2 6 4 2 8 8 1 6 3 2 6 8 एंड 2 3 6 4, ठीक है। सो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। सो हम डिवाइड करके देखते हैं 264 को 8 से। सो 8 1 8 2 3 4 8 3 24, ठीक है। दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। सो 288 की तो तीनों की तीनों ही आ गई। सो 8 3 24, 6 8 48 कैंसिल आउट, ये भी होगा। 8 2 16 होता है, 3 बचेगा तो ये नहीं होगा। 8 3 24 2 8 4 32 हो जाता है, और 8 3 24 4 रिमाइंडर, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। 8 4 32 8 8 64 8 5 40 8 5 40 4 रिमाइंडर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स दीज टू आर द ओनली डिजिट्स जो पूरा पूरा 8 से डिवाइड होंगी, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने बोला था 8 के डिविजिबिलिटी रूल में जो लास्ट 3 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, नहीं भाई 4 से नहीं होनी चाहिए, 8 से ही होनी चाहिए, ठीक है। ये रूल है 8 का, ये आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, और अगर आपने सारे क्वेश्चन सही करे हैं तो इसका मतलब आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आ गया, और इसके अलावा ज्यादा कुछ आता नहीं, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे अगर ये टॉपिक आता है तो। सो दिस वीडियो इज डन, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक शुरू करेंगे। बाय।